Hi guys, what's up? I hope you all are doing good and welcome back to the channel again. And good morning. और अभी मैं जिम जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे गांव जाना है क्योंकि कुछ काम है वहाँ पे. तो अभी कुछ दिन पहले आया था बट फिर से काम आ गया वहाँ, तो मुझे जाना है क्योंकि जो हमने ज़मीन देखा था अपने थिएटर के लिए, ठीक है, वो ज़मीन फाइनल हो गया है. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइनमेंट कराना है और मिट्टी विट्टी भरवाना, कई सारी चीज़ें हैं जो कि उसको देख के आना है. और प्रॉपर एरिया कौन सा है हम उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, वो एरिया हम उनसे लेके और फिर मिट्टी विट्टी भरवाई कराएंगे उसमें. तो सो गाइस चलते हैं जिम, ठीक है, वर्कआउट करेंगे. आज मेरा वर्कआउट लेग्स का और ट्राइसेप्स का, ठीक है, तो वर्कआउट करेंगे और उसके बाद से फिर हेयर कट लेने जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गया है और बियर्ड भी थोड़ा बढ़ गया है. तो फिर जाएंगे हेयर कट करवाएंगे, ठीक है. तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं जिम में. द्वारका सेक्टर सेवन जा रहा था तो उस बीच में ना मैं एक कॉल आ गया था, तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था. मैं तो ना ट्रैफिक पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया, देख लिया उन्होंने मुझे रोक लिया, ठीक है. और उन्होंने मुझे बोला कि अपना डीएल दे दो, ठीक है. तो मैंने मैं अपना वॉलेट जो है घर भूल गया था और केवल जिम का बैग लेके आया था, ठीक है. और मैंने सोचा था कि चलो ठीक है जा रहा हूँ, कोई पकड़ेगा तो है नहीं क्योंकि मैं कुछ ऐसा करूँगा नहीं कोई पकड़ेगा, ठीक है. तो भाई जब किस्मत ही गड़बड़ हो तो क्या होगा, बट कुछ भी हो वो पुलिस वाले बहुत ही अच्छे थे, ठीक है. उन्होंने मुझे बोला कि अपना डीएल दीजिए, तो मेरे मेल पे डीएल था, ठीक है. और ढूंढे जा रहा हूँ डीएल भी नहीं मिल रहा है मुझे मेल पे, ठीक है. बट मेरे मेल पे है, ठीक है, लास्ट मिल गया डीएल मेरे मेल पे. तो उनको मैंने डीएल दिखाया, ढूंढे जा रहा हूँ 10 मिनट तक मैं ढूंढा हूँ मेल पे, तब जाके मेरा डीएल मिला है, ठीक है. तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि सर, उन्होंने बोला कि चलान है 5,000 रुपये का फ़ोन का. मैंने बोला कि सर मैं वॉलेट आना भूल गया हूँ, ठीक है. तो मैं कोई चलान बुलाया, उन्होंने कोर्ट से कर दो. मैंने बोला कि सर थोड़ा सा देख लो, पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं कर देता कि थोड़ा सा ज़्यादा भाग हो जाएगा तो टाइम का थोड़ा इशू होता है. तो उन्होंने बोला कि सर देख लो क्या है. तो उन्होंने बोला क्या करते हो, तो मैंने बताया कि सर मैं क्या हूँ और क्या करता हूँ. तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है जाओ आप. मतलब इतना नाइस थे, उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया कि रियली सैल्यूट गाइस. ऐसे ट्रैफिक पुलिस वालों पे, ऐसे कोई भी ऑफिसर पे जो किसी भी के साथ भी बहुत तरीके से बर्ताव करे, उसके लिए सैल्यूट है गाइस, रियली. और सो गाइस पहुँचने वाले हैं और अपना बियर्ड और हेयर ट्रिम कराएंगे, उसके बाद से निकलेंगे क्योंकि मुझे आज घर भी जाना है. तो 6 बजे से मेरी बस है, आज मैं जा रहा हूँ, ट्रेवल करूँगा बस से और बहुत टाइम बाद मैं आज बस से ट्रेवल करूँगा. चलते हैं गाइस, फिर हेयर कट करवा के फिर आपसे मिलते हैं.
सो गाइस हेयर कटिंग हो गया है कंप्लीट और अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ यहाँ से 6 महीने एक बिरयानी वाला है, ठीक है। हम जो भी फ्रेंड्स हैं सारे वहीं खाने जाते हैं, तो आज मैं जाता हूँ बिरयानी खाऊंगा वहाँ पे, फिर बिरयानी खा के निकलूँगा घर के लिए। घर जाके फिर से नहाऊँगा धोऊँगा और घर पर भी थोड़ा बहुत कुछ खाऊँगा, उसके बाद से 4:30 बजे से निकलूँगा मैं आनंद विहार के लिए, क्योंकि आनंद विहार से मेरी बस है। और फिर शाम को 6 बजे से बस है, तो सुबह कल पहुँचूँगा मैं 8:30 बजे तक घर, ठीक है। तो सो मिलते हैं गाइस घर पे। सो गाइस मैं निकल गया घर से और ये छोटा सा बैग है मेरे पास बस, क्योंकि 2-4-5 दिन काम है घर पे और बाहर कैब वेट कर रहा है। सो अभी मैं कैब में हूँ और मैं निकल गया हूँ आनंद विहार के लिए। कितना टाइम लगेगा भैया? कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं आनंद विहार बस स्टेशन, क्योंकि 6 बजे मेरी मेरा बस है। अब तो मिलते हैं वहीं पे। यही वो बस है जिससे हम आज ट्रैवल कर रहे हैं और ये बस आज 2 घंटे डिले है। 2 घंटे के डिले के चक्कर में आज हमारा 7-8 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये डिले ना हुई होती ना हम शॉपिंग पे गए होते। बगल में ही मॉल है आनंद विहार पे, EDM मॉल, और वहाँ पे जाके हमने शॉपिंग कर ली 7-8 हज़ार रुपये की, टी शर्ट जीन्स वीन्स, कितना नुकसान हुआ। चलिए गाइस अब निकला है ये बस, मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस। यार बस में ट्रैवल करना ना बहुत बड़ा टास्क है, और खासकर जो लंबे लोग होते हैं ना उनके लिए तो और ही ज़्यादा टास्क है, क्योंकि यार एक तो बैठने में दिक्कत, सोने में दिक्कत हो जाता है मुश्किल है। अभी हमें 14 घंटे हो चुके हैं, अभी तो मैं घर नहीं पहुँचा हूँ। अभी भी हमारा घर यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर है। यार पता नहीं कैसे चला रहे ड्राइवर भी, पता नहीं क्या है। चलो गाइस यार मिलते हैं, ठीक है। और ये कल इस बस के 2 घंटे के चक्कर में ना ये ठीक है खर्चा हुआ था 7-7 हज़ार के अप्रोक्स। जो कहते बैठे हैं गाइस ये सोच लेगा, देख रहे हो ये अपने बच्चे के लिए है। इसका बेटा इसके बराबर हो गया है, पता है। सो गाइस मैं पहुंच गया हूं घर और मैं 3 बजे तक आ गया था घर पे और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और अब हम जा रहे हैं एक रिलेटिव के यहाँ शादी है वहाँ पे, और फिर वहाँ चल के आपको हम दिखाते हैं। ये रहा हमारा शादी का स्थल। अरे काल बेटी रात की, और इस ब्लॉग को हम ये एंड करते हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग रहा है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच गाइज़।